आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन का जो टॉपिक है आपने पहले पढ़ा हुआ है, आप सबको पता है कि रिवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि रिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस ठीक है, मैम, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन? दोबारा से वैल्यूएशन निकालना मैम। यस, तो जो हमारी होल्डिंग कंपनी है या जो सब्सिडरी कंपनी है, बेसिकली उनकी वैल्यू एसेट्स को हम दोबारा से रिवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं तो उस समय हम ये देख लेते हैं कि क्या सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स और में या लाइबिलिटीज में कोई चेंज आया है, तो उसको हम दिखा देते हैं। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस। और होल्डिंग कंपनी और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग उसको बियर करेंगे। जैसे हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो ट्रीटमेंट हमने कैपिटल प्रॉफिट्स के केस में किया है ना, लास्ट टाइम हमने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स लास्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स है वो हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है वो हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो अगर हम किसी भी सब्सिडरी को जब हम बाय कर रहे हैं, जब हम नॉट बाय कर, जब हम उसके शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम हम ये देखते हैं कि उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की क्या वैल्यूएशन है। और अगर उसमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो ये हमारी एक्विजिशन से पहले का रिजल्ट है ना, इसीलिए इसको हम कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस मानते हैं। और जो ट्रीटमेंट अभी तक हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और लॉसेस का करते आए हैं, हम उसको वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें कहीं किसी को डाउट? ओके, आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है कि उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम रिवैल्यूएशन के साथ साथ उसके समय डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं तो उसको भी अलग से हम दिखाएंगे। तो अभी हम कैसे इसको करेंगे, कैसे हम उसको दिखाएंगे, कैसा वैल्यूएशन होगा, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड ड्रॉन अप टू एट 31 मार्च 2015, यू हैव टू प्रिपेयर अ कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट, जो आपको डेट दी गई है 31 मार्च 2015 को। तो इसमें हमारे जो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सब्सिडरी कंपनी के, वो 25,000 है और 15,000 है ना, रिजर्व भी दिए हैं और आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है। और जहाँ एक्विजिशन किया गया है वो 80% ऑफ शेयर का एक्विजिशन किया गया है। मशीनरी जो है उसकी बुक वैल्यू 1 लाख, फर्नीचर की बुक वैल्यू 20,000, लैंड बुक वैल्यू आपकी 18,000, इन सबको वैल्यूएट किया गया। 1 लाख का वो 150 हो गया, फर्नीचर आपका 20 का 15 हो गया, और आपकी जो लैंड थी जो 18,000 की थी वो 28,000 की हो गई। तो ये हमारा जो वैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन की जैसे हम बात कर रहे हैं वो किया गया। ये बैलेंस शीट हम देखते हैं, बैलेंस शीट में हमारे पास 100 रुपए का एक शेयर है, और एच लिमिटेड के 5 लाख कैपिटल है और एस लिमिटेड के 1 लाख कैपिटल है। तो 100 शेयर रुपीज पर शेयर के हिसाब से हम इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, हाउ मेनी शेयर्स एस लिमिटेड हैज, मैम बताइए। 1,000 80% हाँ, एस लिमिटेड की टोटल कैपिटल में 1,000 शेयर है, उसमें से 80% इसने लिए हैं, तो इसका मतलब 800 शेयर लिए हैं। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये कैलकुलेशन बता रही हूँ कि एग्जाम में किसी भी तरीके से दिया आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ किस वर्ड किस टर्म का क्या मतलब है। फिर हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स दिखा रखे हैं 2 लाख, और एस लिमिटेड के 75,000 है। कितने रिजर्व्स हमारे प्री एक्विजिशन है बताइए, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने हैं? क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा था, ये दिया है ना, प्री रिजर्व्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 25,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 15,000, ये टोटल है। इसमें से 25,000 जो है वो प्री एक्विजिशन है,
ना, और प्रॉफिट्स में से 15,000 जो है वो प्री एक्विजिशन है. और इसके बाद हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स हैं हमारे, और नॉन करंट एसेट्स और नॉन जो हमारे एसेट्स हैं, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, अदर एसेट्स हैं. बिसाइड्स दैट लास्ट में दिया हुआ है शेयर्स इन एस लिमिटेड 1,60,000. ओके, तो ये एडजस्टमेंट मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई थी कि जब हम कंसोलिडेटेड बनाते हैं तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह हम वहां पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो अपनी कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं. तो ये देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स. ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट्स में से जो हमारे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन रिजर्व्स हैं सबसे पहले हम वो लिखेंगे, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो लिखेंगे. रीवैल्यूएशन पे मशीनरी और लैंड की वैल्यू बढ़ी है ना, 1 लाख से वो 1.5 लाख हो गया वो लिखेंगे, लैंड की वैल्यू भी 10,000 बढ़ गई वो लिख के, और जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर की वजह से लॉस हुआ उसमें 5,000 हुए. देखिए यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था ना, जो मशीनरी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई वो लॉस हो गया, और लैंड की जो वैल्यू है वो अगेन बढ़ गई, 18 से वो 28 हो गई. तो जो वैल्यूज बढ़ जाती है हमारी एसेट्स की वो हमारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं, और जो हमारी वैल्यूज कम हो जाती है उन वो हमारे लॉस हो जाते हैं और उनको हम माइनस कर देते हैं. एज ए रिजल्ट हमारा कैपिटल प्रॉफिट जो है वो 95,000 निकल के आया. इसका 80% एच का शेयर है और बाकी का 20% माइनॉरिटी का शेयर है. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट सो फार इन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स? नो मैम. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवेन्यू. ठीक है, रिवेन्यू रिजर्व्स की बात करते हैं. जो रिवेन्यू रिजर्व्स हैं हमारे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, जैसे मैंने बताया था कि 75,000 दिया हुआ है, उसमें से 25,000 जो प्री एक्विजिशन है जो हमने कैपिटल प्रॉफिट्स में कंसीडर कर लिया, बाकी हमारे बचे 50,000 करंट ईयर के. अगेन उस 50,000 को हमने एच लिमिटेड में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डिवाइड कर दिया, 80% 20%. इसी तरीके से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है हमारे, 25,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 15,000 हमें बताया कि प्री एक्विजिशन है, बाकी का 10,000 प्लस जो, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना डेप्रिसिएशन, अब हमने डेप्रिसिएशन पहले हमारी वैल्यू थी 15,000 की. ठीक है, तो 15,000 पहले कुछ बोलना चाह रहे हो? देखो हमारी फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 20,000, हमने डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज किया. लेकिन वैल्यू, बुक वैल्यू कम हो गई, 15,000 हो गई, तो इसका मतलब 5,000 पे हमने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा रखा है, वो हमारा एक तरीके से ऐड हो जाएगा इस प्रॉफिट में, 15% ऑन 5,000. ठीक है, और जहां पे मशीनरी है उस पे हमने कम लगा रखा है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई, तो जब वैल्यू बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन की वजह से वो अंडर डेप्रिसिएशन हो रखा है. पहले हमने उसके डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख पे, लेकिन अब वो वैल्यू उसकी 1.5 लाख है, तो हमारा डेप्रिसिएशन 50,000 पे और लगेगा, तो वो हमारा लॉस हो गया है ना, एक्सपेंस हो गया. इसलिए अंडर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लॉस दिखाया है, और क्योंकि हम प्रॉफिट्स और डेप्रिसिएशन जो हमारी फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई थी तो इसलिए उसका डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा, तो वो एक तरीके से हमको फायदा हो गया. इज इट क्लियर? यस इन मैम. दोनों डेप्रिसिएशन में कोई डाउट? नो मैम. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट जो है ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया. तो जब भी रीवैल्यूएशन होता है उसके साथ ही ये हमें डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना पड़ेगा. तो इस तरीके से हमारा ये रिवेन्यू प्रॉफिट जो है वो एडजस्ट हो गया. और अंजलि आप कुछ कहना चाहते हो? यू हैव रेज योर हैंड. नो मैम. ओके, ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने इसकी एडजस्टमेंट करी तो यहाँ पे ये हमारा 5,750 प्रॉफिट आया, और उस 5,750 को हमने डिवाइड कर दिया 80% और 20% उनके शेयर में. ठीक है, ये हमारा वही स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया. कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, रिवेन्यू रिजर्व कैलकुलेट किया, रिवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट किया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस गुडविल है या कैपिटल रिजर्व निकालना. तो हम देखते हैं कि एसेट साइड में हमने 1,60,000 रुपये इन्वेस्ट किया. अब उस 1,60,000 के लिए हमें मिला क्या? एक तो हमें 80,000 की कैपिटल मिली, प्लस ये जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स थे इसमें हमको 76,000 का शेयर मिला.
तो 1,56,000 का हमें अमाउंट का चीज मिली, वैल्यू की हमें प्रॉपर्टी एक तरीके से मिली सब्सिडरी कंपनी में। तो लेकिन हम पे करें 1,60,000, तो बाकी 4,000 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो जब एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो किस लिए पे करते हैं? गुडविल के लिए मैम, हम गुडविल गुडविल के लिए। है ना। तो हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर गेटिंग, सो इट मीन्स दैट वी हैव पेड इट द एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द गुडविल। ठीक है। अब हम निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी को क्या क्या मिला? 20,000 के शेयर्स मिले, 19,000 का यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट्स में हिस्सा मिला, और यहाँ पे उसको रेवेन्यू रिजर्व्स में 10,000 मिले, और उसको रेवेन्यू प्रॉफिट्स में 1,150 मिले। तो एज ए रिजल्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है टोटल वो 50,150 आ गया। एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द दिस वर्किंग नोट्स? बस यही करना है हमको, थोड़ी बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट होती रहेगी। मेन हमें ये निकालना आना चाहिए, और जो अगर आपका एमसीक्यू पेपर भी आ रहा है तो उसपे भी आपको बीच बीच में से यही पूछा जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, या माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना निकालेंगे, या इसमें बताओ कैपिटल प्रॉफिट कितना है, या इसमें रेवेन्यू रिजर्व में शेयर कितना है। तो आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, और कोई उसका तोड़ नहीं है। मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको समझ में भी आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो वो कंफर्म्ड हो जाएगा, और एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर उधर इधर होगा तो आप एक एडजस्टमेंट होगी तो आप कर पाओगे। बस इसके बाद हम इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सिर्फ एक्स जो हमारी होल्डिंग कंपनी है सिर्फ उसी की कैपिटल दिखानी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस अभी हम आपको बता देते हैं कैसे कैलकुलेट किया है, और सारे रिजर्व्स को मिला के, और ये हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लाइबिलिटीज को हम ऐड करके दिखा देंगे, एसेट्स को ऐड करके दिखा देंगे, है ना। ये इन्होंने पूरी यहाँ कैलकुलेशन की है कि डेप्रिसिएशन को हमने, जो मैंने आपको समझाया कि कैसे कैलकुलेट किया हमने, क्योंकि जो बुक वैल्यू थी वो 1 लाख थी, उसको हमने बढ़ा दिया और उस पे ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज किया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो निकाला गया है, 2 लाख, है ना, और 40,000 ये रिजर्व थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एज ए रिजल्ट यहाँ पे टोटल निकल के आ गया। ओके, कर लेंगे अब। यस मैम। तो आप ये जो न्यूमेरिकल है दीज आर लाइक योर होमवर्क, तो आप इसको करिएगा। इसके बाद हमारा इलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी बैलेंसेस। ऐसा भी हो सकता है कि जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है वो एक दूसरे को, उन्होंने क्या किया हो, एक दूसरे को सम उधार दे रखा हो। ठीक है, म्यूचुअल इंडेबटेडनेस। तो म्यूचुअल इंडेबटेडनेस का मतलब क्या है कि जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसे देने हैं, उन्हें एक दूसरे को, क्योंकि मैंने बताया ना हमारा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन होता है, राइट, कि हॉरिजॉन्टल हमें अपना कॉम्पिटिटर या दूसरी कंपनी हमारे जैसी है, हमने उसको बाय कर लिया अपने बिजनेस की रीच को बढ़ाने के लिए, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वो सप्लायर है, तो सप्लायर होगा तो एक कंपनी डेटर हो जाएगी, एक कंपनी उसकी क्रेडिटर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जो म्यूचुअल इंडेबटेडनेस है उनको हम इलिमिनेट कर देते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें अमाउंट में थोड़ा बहुत इसलिए फर्क आता है क्योंकि कुछ अमाउंट्स जो है उसमें इंटरेस्ट के लगा होगा, तो वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। अगर बैलेंसेस उसके मैच नहीं कर रहे हैं, या कुछ अमाउंट हमारा जैसे होता है कई बार हम चेक पे कर दिया लेकिन वो वहां तक पहुंचा नहीं, तो कुछ उसको अमाउंट इन ट्रांजिट बोलते हैं, कैश इन ट्रांजिट। तो वहां पे उसके लिए हमें उसको सेपरेटली जो है उसको दिखाना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया म्यूचुअल इंडेबटेडनेस। दूसरा क्या होता है, एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंसेस। जब हम एक दूसरे को डेटर और क्रेडिटर हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ने बिल ड्रॉ किया हो और दूसरे ने बिल एक्सेप्ट किया, है ना। एक का बीआर है और एक का बिल्स रिसीवेबल है, एक का बिल्स पेएबल है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो हम ये भी इसको भी हटा देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये बिल डिस्काउंट हो गया या एंडोर्स हो गया, ठीक है, दूसरे को आगे हमने ट्रांसफर कर लिया या हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया, तो हम इसको एक नोट डाल के और एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी में हम शो कर देंगे कि अभी ये बिल हमने किसी और ने दिया था और आगे हमने इंडोर्स कर रखा है या इसको हमने डिस्काउंट करा रखा है, देन वी विल शो दिस लाइक दिस। तो अगेन इसको भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको दिख जाएगा कि कैसे हमने शो करना है। इसके अलावा हमारा होता है डिबेंचर्स, कि एक कंपनी के डिबेंचर्स हैं और दूसरी कंपनी ने ले रखे हैं। ठीक है, होल्डिंग कंपनी के डिबेंचर्स हैं, सब्सिडी ने ले रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है
ना, तो भी हम उसको इकट्ठे साथ में दिखाते हैं, पेड अप वैल्यू जो होती है उसके अगेंस्ट हम सेट ऑफ करके दिखाते हैं। और लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा है कि इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नहीं लेके जाएंगे, उस कंपनी के पूरे पूरे डिबेंचर्स हम एक साथ दिखाएंगे, क्योंकि डिबेंचर्स को हम एज सच डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होगा, अगर कोई इंटरेस्ट एक्रूड हो रखा है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, जैसे हम नॉर्मली हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिबेंचर इंटरेस्ट एक्रूड, वो हम बनाएंगे और उसको हम बैलेंस शीट में अलग से दिखाएंगे। और अगर कंपनी ग्रुप होल्डिंग, कई बार क्या होता है कंपनी, जैसे मैंने भी बात करी थी कि चेन होल्डिंग्स होती हैं, चेन होल्डिंग्स का मतलब क्या है, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर डी है, तो ए के अंदर वो सारी की सारी कंपनीज आ जाएंगी, बी भी आ जाएगी, सी भी आ जाएगी, डी भी आ जाएगी, तो फिर उसको हम बोल देते हैं कि एक ग्रुप है, और इसका नाम ले देते हैं हम चेन होल्डिंग्स। ठीक है, ये इसका टर्म होता है, जिसमें होल्डिंग कंपनी जो है वो एक से ज्यादा होती है, तो उसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, और वहां पे उसके इंटरेस्ट को हम शो कर देंगे। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज आपको पता ही है इसमें क्या क्या आ गया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारी कोई भी लाइबिलिटीज हैं, जो हमारी बिल डिस्काउंटेड है उसके सम्स में कोई भी लाइबिलिटी अंडर गारंटी है हमने दे रखी है, क्योंकि लाइबिलिटी अंडर गारंटी हम यही दिखाते हैं, और एरियर्स ऑफ डिविडेंड कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी हम यहाँ पे दिखाते हैं, अगर हमारे वो कुमुलेटिव हैं तो, और लाइबिलिटी फॉर कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स। ये इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप करिएगा इसको, ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज ओवर। दैट्स इट। तो यू प्रैक्टिस दिस, एंड जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्वेश्चंस आएंगे, और उसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है लास्ट के, ये ऑल थियोरेटिकल है और हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड दिस।